गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे इज योर हिंदी ऑनलाइन क्लास। टुडे वी विल रीड चैप्टर 26। चैप्टर 26 नेम इज प्रत्यय। आज आप हिंदी व्याकरण में पार्ट 26 पढ़ेंगे। पार्ट का नाम क्या है? प्रत्यय। इसके पहले चैप्टर में आपने पढ़ा था उपसर्ग। उपसर्ग का मतलब जो शब्द से पहले लगते हैं और प्रत्यय शब्द के बाद लगते हैं। तो देखिए, प्रत्यय कहते किसे हैं? प्रत्यय यानी जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनमें परिवर्तन यानी विकार उत्पन्न कर देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। जैसे कोई शब्द है, उसके अंत में जो शब्द जुड़ करके उसमें परिवर्तन ला दे, उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। जैसे ये देखिए, मीठा, मीठा लिखा है, मीठा में आई प्रत्यय जोड़ देने से हमारा क्या बन गया है? मिठाई। यहाँ पे देखिए, दास है, दास में जब ता प्रत्यय हमने जोड़ा तो यहाँ पे क्या बन गया? दासता। यहाँ बंगाल है, बंगाल में जब ई प्रत्यय जुड़ा तो यहाँ क्या बन गया? बंगाली। इसे जो शब्दांश मूल रूढ़ शब्द के अंत में लगकर नए शब्द बनाते हैं वे क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे देखिए, ये मीठा आपका क्या है? ये रूढ़ शब्द है, इसमें आई प्रत्यय लगा देने से क्या बना है? मिठाई। यानी जो आपका रूढ़ यानी मूल शब्द क्या है? मीठा है, और इसमें आई जो है ये क्या है? प्रत्यय है। देखिए, प्रत्यय के भेद, प्रत्यय के मुख्यतः दो भेद होते हैं। कौन कौन से? कृत प्रत्यय यानी जो प्रत्यय क्रिया में लगते हैं, और तद्धित प्रत्यय यानी क्रिया से भिन्न शब्दों में। जैसे सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया, उनमें जो प्रत्यय लगते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या है? देखिए, जो प्रत्यय धातु क्रिया का मूल रूप से जुड़कर संज्ञा विशेषण आदि शब्द बनाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे टीक धातु के साथ आऊ प्रत्यय जोड़कर क्या बना? टिकाऊ। ऐसे ही पट धातु के साथ आई प्रत्यय जोड़ने से क्या बना? पढ़ाई। कृत प्रत्यय कई प्रकार के होते हैं। कृत प्रत्यय के भेद देखिए, कर्तृवाचक कृत प्रत्यय यानी कि कर्तृवाचक कृत प्रत्यय क्रिया शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। जैसे एरा, ये आपका प्रत्यय है, प्रत्यय से फिर प्रत्ययुक्त शब्द बनाए गए हैं। लुटेरा, चितेरा। आया से क्या बना? रखैया, पढ़ैया, सवैया। ऐसे ही आपका देखिए, कर्मवाचक कृत प्रत्यय, जिन प्रत्ययों से कर्मवाचक शब्दों की रचना होती है उन्हें कर्मवाचक कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे आ, घेरा, भूला, झूला, नी, ओढ़नी, सूंघनी, हुई, लिखी हुई, देखी हुई, सुनी हुई। आते हैं नेक्स्ट पेज पे। अगला है भाववाचक कृत प्रत्यय। देखिए, जिन कृत प्रत्ययों से भाववाचक संज्ञाओं की रचना होती है वे भाववाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे अन, मिलन, चलन, आप, मिलाप, विलाप, संताप, आवा, छलावा, बुलावा, पछतावा। आवट में सजावट, दिखावट, लिखावट। नोट देखिए क्या लिखा है, इनके अतिरिक्त क्रिया द्योतक कृत प्रत्यय भी होते हैं जिनके विषय में आप अगली कक्षा में जानेंगे, यानी अभी ये आपको अगली कक्षा में पढ़ाया जाएगा, क्लास 8th में। आगे है करणवाचक कृत प्रत्यय। देखिए, ऊ धातु और निर्मित शब्द, जब ऊ प्रत्यय जुड़ा है झूल धातु में तो क्या बना है? झूला। न प्रत्यय जुड़ा है बेल धातु में तो क्या बना? बेलन। और झाड़ में जुड़ा तो झाड़न। और क्रिया द्योतक कृत प्रत्यय है, जिन प्रत्ययों को जोड़ने से धातुएं विशेषण रूप में प्रयुक्त होती है उन्हें क्रिया द्योतक कृत प्रत्यय कहते हैं। अगला है क्रिया द्योतक यानी आ, तो भूल में जब आ प्रत्यय जुड़ा तो क्या हो गया? भूला, जाया। ता में जब आ प्रत्यय जुड़ा, बह में जब ता प्रत्यय जुड़ा तो क्या हो गया? बहता। जा में जुड़ने से जाता। ऐसे ही शब्दों में प्रत्यय लगा करके हम वाक्य को शब्द बनाते हैं। तद्धित प्रत्यय क्या है? देखिए, जो प्रत्यय क्रिया की धातु से भिन्न संज्ञा सर्वनाम विशेषण या अव्यय शब्दों के अंत में जुड़ते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। इन शब्दों को ध्यान देखिए, खटास, खट्टा विशेषण, इसमें आस प्रत्यय जुड़ने से क्या बन गया? खटास। मानव जो है वो क्या है? संज्ञा है, तो मानव में जब ता प्रत्यय हमने जोड़ा तो क्या हो गया? मानवता। तद्धित प्रत्यय भी कई प्रकार के हैं। जैसे देखिए, तद्धित प्रत्यय के उदाहरण क्या है? देखिए कितने प्रकार के होते हैं तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय में पहला है भाववाचक संज्ञाएँ बनाने वाले तद्धित प्रत्यय, इनसे भाववाचक संज्ञाएँ बनती है। जैसे प्रत्यय क्या है? आई, आई प्रत्यय है। अब ये सारे मूल शब्द हैं, देखिए बुरा, भला, पंडित, इन शब्दों में जब आई प्रत्यय हमने जोड़ा तो बुरा में जोड़ने पे बुराई बना, भला में जोड़ने से भलाई हुआ, पंडित में जोड़ने से
पंडिताई हुआ। ओके आते नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट है इसमें भी देखिए प्रत्यय है और मूल शब्द है और इसे प्रत्ययुक्त शब्द बनाए गए हैं। गरम, गरीब, नरम, ये सारे क्या हैं, शब्द हैं। और ई जो है इसमें प्रत्यय जुड़ा है। गरम में जब ई प्रत्यय जुड़ा तो क्या हो गया, गर्मी। गरीब में जब ई प्रत्यय जुड़ा तो गरीबी। नरम में जब ई प्रत्यय जुड़ा तो नरमी। ईमा में जब काला में जब ईमा प्रत्यय जुड़ा तो क्या हो गया, कालीमा। ऐसे नीला में जब ईमा प्रत्यय जुड़ा तो क्या हो गया, नीलिमा। महा में जब ईमा प्रत्यय जुड़ा तो महिमा। इसी तरह प्रत्यय जोड़ करके हम क्या करते हैं, शब्द को बनाते हैं। अगला है देखिए कर्तृवाचक संज्ञाएं बनाने वाले तद्धित प्रत्यय। जिन तद्धित प्रत्ययों से कर्तृत्व का बोध होता है उसे कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे प्रत्यय है और मूल शब्द हैं, ये सारे आपके देखिए प्रत्यय लिखे बने हुए हैं और ये सारे मूल शब्द हैं। इन मूल शब्द में जब ये प्रत्यय हमने मिलाया है तो ये सारे क्या हैं, प्रत्ययुक्त शब्द बने हुए हैं हमारे। जैसे लोहा में प्रत्यय जुड़ा है, आर प्रत्यय जुड़ा तो क्या हो गया, लुहार। सोना में आर प्रत्यय जुड़ा तो सुनार। मुख में ईया प्रत्यय जुड़ा तो क्या हो गया, मुखिया। दुख में ईया प्रत्यय जुड़ा तो क्या हो गया, दुखिया। ई में तेल, ये सारे देखिए मूल शब्द हैं। इसमें जब ये ई प्रत्यय जुड़ा, तेल में ई प्रत्यय जुड़ा तो क्या हो गया, तेली। सुख में ई प्रत्यय जुड़ा तो सुखी। दुख में ई प्रत्यय जुड़ा तो दुखी। ऐसे ही देखिए अगला प्रत्यय का टाइप्स है लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय। जो प्रत्यय लघुता का बोध कराते हैं उन्हें लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे इया, लोटा और डिब्बा, इन सबों में इया प्रत्यय जुड़ा तो क्या हो गया, लोटिया और डिबिया। अगला है गणनावाचक तद्धित प्रत्यय। जो प्रत्यय संख्या के क्रम का बोध कराते हैं उन्हें गणनावाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे प्रत्यय है और मूल शब्द है, देखिए दो और तीन में सरा प्रत्यय जोड़ने से क्या बना है, दूसरा और तीसरा। पाँच, आठ, नौ में वा प्रत्यय जुड़ा है तो पाँचवाँ, आठवाँ, नवा। दो और तीन में रा प्रत्यय जुड़ा तो दोहरा और तिहरा। अगला है संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में जुड़कर संबंध का बोध कराते हैं उन्हें संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे प्रत्यय और मूल शब्द, मामा, चाचा, फूफा, मौसा। इसमें एरा प्रत्यय जुड़ा तो ममेरा, चचेरा, फुफेरा, मौसेरा, ऐसे बना। एक में देखिए सामाजिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, भौतिक, इस तरह से एक प्रत्यय से ये सारे शब्द जोड़ करके ये प्रत्ययुक्त शब्द बनाए। गुणवाचक तद्धित प्रत्यय, जैसे कि देखिए बाजार, पेट, बाजार में ऊ जुड़ा तो बाजारू, पेट में ऊ जुड़ा तो पेटू। जैसे देखिए ये पेटू बनाया गया है यहाँ पे। गुड़ और धन है, गुड़ में वती प्रत्यय जुड़ा तो गुड़वती, धन में वती प्रत्यय जुड़ा तो क्या हो गया, धनवती। आते हैं नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट है स्त्रीलिंग बनाने वाले तद्धित प्रत्यय। तो जैसे देवर, जेठ, सेठ है ना, इसमें आनी प्रत्यय जुड़ने से क्या हो गया, देवरानी, जेठानी, सेठानी। ऊँट, मोर, शेर में नी प्रत्यय जुड़ने से ऊँटनी, मोरनी, शेरनी। अब यहाँ देखिए धोबी, माली, सुनार, लुहार से इन प्रत्यय जुड़ा तो धोबीन, मालिन, सुनारिन, लुहारिन। आगे देखिए बहुवचन बनाने वाले प्रत्यय। जिन तद्धित प्रत्ययों के योग से बहुवचन बन जाए उन्हें बहुवचन प्रत्यय कहते हैं। जैसे प्रत्यय है आपका ये मूल शब्द है, ए प्रत्यय है और ये मूल शब्द देखिए छाता, रुपया, बच्चा, कुत्ता। इन सबों में जब ए प्रत्यय जुड़ा तो क्या हो गया, छाते, रुपये, बच्चे, कुत्ते। आगे देखिए दिया है उर्दू शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय। उर्दू शब्द में भी देखिए प्रत्यय प्रयुक्त होते हैं। जैसे आजमा, फरमा, पैदा में इस प्रत्यय जुड़ा तो क्या हो गया, आजमाइश, फरमाइश, पैदाइश। धोखा, चाल, पतंग, इन सबों में जब बाज प्रत्यय जुड़ा तो क्या हो गया, धोखेबाज, चालबाज और पतंग बाज। आगे देखिए उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ प्रयोग। प्रत्यय और उपसर्ग देखिए दोनों एक साथ शब्दों में कैसे प्रयोग होते हैं, ये देखिए ये सारे आपके देखिए क्या हैं, उपसर्ग हैं और ये क्या है, प्रत्यय है और ये क्या है, आपके मूल शब्द हैं। ठीक, अभी ये सारे बनाए गए शब्द हैं, नवनिर्मित शब्द हैं। इन तीनों को मिला के जब शब्द बने हैं तो ये नवनिर्मित, जैसे अ उपसर्ग और लोक मूल शब्द है और एक प्रत्यय को मिलाने से क्या बना, अलौकिक। बे उपसर्ग है, ईमान मूल शब्द है और बड़ी ई जो है आपका ये प्रत्यय है, इसको मिलाने से क्या बना, बेईमानी।
ऐसे ही देखिए पूरा बना के दिखाया आपको, उपसर्ग और प्रत्यय से मिल के जो शब्द बनाए गए हैं और दो प्रत्ययों का इकट्ठा प्रयोग, यानी इसमें दो प्रत्यय हैं, एक शब्द में दो प्रत्यय, जैसे ईमानदार ई ईमानदारी, देखिए आप बोलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें दो प्रत्यय जुड़ा हुआ है, जैसे ईमानदार ई अलग अलग करेंगे तो देखिए ईमान हो गया मूल शब्द, दार हो गया प्रत्यय और ई हो गया प्रत्यय, तो पूरा मिल के क्या हो गया ईमानदारी। धर्म एकता धार्मिकता हुआ ना, धर्म शब्द है आपका मूल शब्द है, एक प्रत्यय है और ता प्रत्यय है, तो बना क्या धार्मिकता। आते हैं अब इस चैप्टर की एक्सरसाइज, वीडियो को पॉज करके आप एक्सरसाइज को पूरे कंप्लीट कर लेंगे बुक में अपने। ओके देखिए पहला है दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रत्यय किसे कहते हैं उदाहरण देकर समझाइए, ये आपके पेज नंबर 110 पे है कि प्रत्यय किसे कहते हैं, जो वाक्य के बाद में जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं मूल शब्द के या रूढ़ शब्द में जुड़ के उसे प्रत्यय कहते हैं। आप बुक से देख के लिख लेना, पेज नंबर 110 पे दिया है। अगला है उपसर्ग और प्रत्यय का अंतर स्पष्ट कीजिए। उपसर्ग और प्रत्यय में आपको अंतर स्पष्ट करना है कि दोनों में क्या अंतर है। आपका ये एक पेज नंबर 106 पे आपका उपसर्ग है और 110 पे प्रत्यय है, दोनों को बीच से लाइन ड्रॉ करके एक साइड उपसर्ग और एक साइड प्रत्यय करके उसको परिभाषा लिखनी है और एक एक दो दो एग्जाम्पल लिखना है। ओके और ये देखिए ओ आ का अक्कड़ आलू औना आवर प्रत्ययों में से एक एक शब्द बनाना है, ये आपको ग्रामर की कॉपी में राइट करना है ये तीनों, ठीक। नेक्स्ट है देखिए इसमें आपको सही गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाना था। प्रत्ययों का प्रयोग शब्द के अंत में किया जाता है ये सही है, प्रत्यय शब्दांश होते हैं ये भी सही है, प्रत्ययों का प्रयोग शब्द के अंत में होता है ये भी सही है, जिन प्रत्ययों का प्रयोग संज्ञा विशेषण शब्दों के अंत में किया जाता है उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं, यह भी ट्रू है। आगे देखिए मूल शब्द और प्रत्यय अलग कीजिए, गलत उत्तर के सामने गलत का चिन्ह लगाना है। देखिए मुस्कुराहट में मुस्कुरा शब्द है और आहट प्रत्यय है, लालिमा में लाल और ईमा मिलके लालिमा बना है, बुढ़ापा में बूढ़ा और पा जोड़ के बुढ़ापा बना है, पियक्कड़ में पी में पी धातु में अक्कड़ प्रत्यय जुड़ने से पियक्कड़ बना है। अगला है निम्नलिखित शब्दों से प्रत्यय और मूल शब्द अलग करके लिखना है आपको। जैसे बुराई गर्मी लोहार तेली इन सबों से एक लाइन बीच से ड्रॉ करेंगे, एक शब्द एक तरफ आपका मूल शब्द हो जाएगा और एक तरफ प्रत्यय हो जाएगा, प्रत्यय को अलग लिखना है और मूल शब्द को अलग लिखना है, ये आपको ग्रामर की कॉपी में कंप्लीट करना है। अगला है निम्नलिखित प्रत्ययों का प्रयोग करके दिए गए शब्द की भांति दो दो नए शब्द बनाइए, जैसे वान प्रत्यय में दयावान मूल्यवान कृपावान, इस तरह से आपको अलग अलग से शब्द बनाने हैं। ओके जैसे ये हो गया भारतीय, ई में जंगली, इस तरह से आपको बनाने हैं, खुद से आपको करने हैं। अगला है देखिए ये निम्नलिखित प्रत्यय के योग से दो दो शब्द बनाइए, ये मैंने खुद कर दिया है। जैसे दान प्रत्यय है इसमें वर दान जीवन दान, एरा में ममेरा चचेरा, आऊ में टिकाऊ उपजाऊ, दार में ईमानदार दुकानदार, इका में गायिका नायिका, इसी तरह इसको भी आपने करना है। ये आपकी ग्रामर की बुक में कंप्लीट करना है और कॉपी कंप्लीट करके ये आपको मुझे सेंड करना है। ओके अगर जिसको कोई भी कन्फ्यूजन होगा वो मुझसे पूछ लेगा। ओके थैंक यू।